ओपोजिशन बहुत मुश्किल में है, इस पर तरस आता है। ज़ियारत रेजिडेंसी में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि माजी की हुकूमतों ने बलोचिस्तान पर तवज्जो नहीं दी और नज़रअंदाज किया। हमारी हुकूमत ने बलोचिस्तान को जितना अपना समझा है पिछली हुकूमतों ने नहीं समझा। जितना ज़्यादा पैसा अब खर्च किया जा रहा है पहले नहीं किया गया। दोनों सूबे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा शोर मचा रहे हैं कि बलोचिस्तान को ज़्यादा पैसा दे दिया। माजी में बलोचिस्तान के लिए जो पैसा दिया गया वो सही तरीके से खर्च नहीं हुआ। हमारी हुकूमतों पर माजी की हुकूमतों के कर्ज का बोझ भी है। अगले वफाकी बजट में शनाख्ती कार्ड की शर्त की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने शनाख्ती कार्ड ना दिखाने पर काबिल टैक्स आमदन पर जुर्माना 3 से बढ़ाकर 5% करने की तजवीज़ दे दी। FPR ज़राए ने बताया कि 1 लाख रुपये खरीदारी पर शनाख्ती कार्ड की शर्त पर अमल दरामद यकीनी बनाने की तजवीज़ दी गई है। FPR ज़राए ने बताया कि 1 लाख रुपये खरीदारी पर शनाख्ती कार्ड की शर्त पर अमल दरामद यकीनी बनाने की तजवीज़ दी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शेख रशीद का कहना था कि असदूर के मामले की तहकीकात हो रही हैं, हम 3 में से 1 मुलजिम की शनाख्त के करीब हैं। इन्होंने मजीद बताया कि फिंगरप्रिंट्स हासिल किए जा रहे हैं जबकि CCTV वीडियो में बहुत दूर तक इन्हें फॉलो नहीं किया गया है। कराची ज़िला बस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज़। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिसके मुताबिक ज़िला बस्ती के 4 टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में 15 जून तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज़ रहेगा।